नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे उड़ान मुद्रा के बारे में। यह मुद्रा बहुत ज्यादा सहायक है थायराइड रिलेटेड सभी तरीके की समस्याओं में। बट बिफोर वी प्रोसीड अहेड, दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियोस को लाइक व शेयर अवश्य करें। उड़ान मुद्रा, यह मुद्रा बनाई जाती है जब चार उंगलियां यानी कि अंगूठा, हमारी रिंग फिंगर जिसे हम अनामिका भी कहते हैं, मिडल फिंगर, मध्यमिका और इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी के शीर्ष को यानी कि टिप को एक साथ जोड़कर हम यह मुद्रा बनाते हैं। जब ये चारों उंगलियों के टिप जुड़े होते हैं तब हमें अपनी जो कनिष्ठिका यानी कि लिटिल फिंगर है उसको अपराइट स्ट्रेट रखना चाहिए, जैसे कि इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है। यह मुद्रा जो है वो सिग्निफाई करती है यूनियन ऑफ वायु, स्पेस और अर्थ के एलिमेंट्स को। यह मुद्रा हमें 45 मिनट प्रतिदिन करनी चाहिए। उड़ान मुद्रा, यह मुद्रा जो है सिग्निफाई करती है एनर्जी फ्लो हमारे गले से हमारे हेड यानी कि सिर की तरफ, और इसीलिए यह मुद्रा इस भाग में आने वाले सभी ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। जैसे कि यह मुद्रा करने से थायराइड से रिलेटेड सभी तरीके की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस मुद्रा को करने से हमारा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क जो है वो ताकतवर बनता है और हमारी विजडम जो है वो इंक्रीज होती है। इस मुद्रा को करने से हमारी याददाश्त भी बहुत सशक्त हो जाती है। तो अब जानते हैं मुद्राओं के बारे में कुछ जनरल बातें, बट मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि हमारा इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मुद्राओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है और बिल्कुल सही तरीके से समझाया गया है। यहाँ दिखा रहे हैं हम 13 कोर मुद्राओं की समरी, जिसमें से 8 हैं तत्व मुद्राएँ और 5 हैं प्राणिक मुद्राएँ, यानी कि टोटल 13 कोर मुद्राएँ। इन 13 कोर मुद्राओं के अलावा भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। ये मुद्राएं विभिन्न तरीके से उंगलियों और अंगूठे को जोड़कर बनाई जाती हैं। यह है प्राणिक मुद्राओं का सारांश। यदि हम अपने अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप को जोड़ दें मध्यमिका व तर्जनी उंगलियों के शीर्ष से, तब जो हमें मुद्रा मिलती है उसे कहते हैं व्यान मुद्रा। यानी कि यह दो उंगलियों के टिप को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के टिप से तो हमें मिलती है व्यान मुद्रा। इसी तरीके से यदि अनामिका उंगली व मध्यमिका उंगली के शीर्ष को हम अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप से जोड़ें तो हमें मिलती है अपान मुद्रा। वही दोनों उंगलियां यानी कि अनामिका व मध्यमिका उंगलियों को यदि हम फोल्ड कर लें और अपनी हथेली की ओर दबाएँ तो हमें मिलती है मेआउ मुद्रा। आगे हम आते हैं तो जो दो उंगलियां हैं वो हैं कनिष्ठिका व अनामिका। इन दोनों उंगलियों के शीर्ष को यदि हम जोड़ें अंगूठे के शीर्ष से तो हमें मिलेगी प्राण मुद्रा। इसी तरीके से यदि सभी पांचों उंगलियों के शीर्ष यानी कि टिप को हम जोड़ें एक साथ तो हमें मिलेगी समान मुद्रा, जिसे हम मुकुल मुद्रा भी कहते हैं। इसी तरीके से देखें तो तर्जनी उंगली, मध्यमिका उंगली व अनामिका उंगली, इन तीनों उंगलियों के टिप यानी कि शीर्ष को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के शीर्ष के साथ तो जो हमें मुद्रा मिलेगी उसे कहते हैं उड़ान मुद्रा। यहां हम दिखा रहे हैं 8 तत्व मुद्राओं की समरी। यदि हम इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब यानी कि अंगूठे से प्रेस करें तो हमें मिलेगी ज्ञान मुद्रा। इसी तरीके से यदि हम इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कर लें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वायु मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को हम तर्जनी भी कहते हैं। आगे आते हैं मिडल फिंगर पे, यदि इसके टिप को हम अंगूठे से दबाएंगे तो हमें मिलेगी आकाश मुद्रा, और यदि हम मिडल फिंगर यानी कि मध्यिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएँ तो हमें मिलेगी शून्य मुद्रा। इसी तरह रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी पृथ्वी मुद्रा, और यदि हम अनामिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी सूर्य मुद्रा। इसी तरीके से लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठ उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी इंद्र मुद्रा, और यदि हम कनिष्ठ उंगली को फोल्ड करें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वरुण मुद्रा। मुद्रा को हम किसी भी समय या किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम बैठे हों या खड़े हों या टीवी देखते हुए या हम चलते हुए भी मुद्राओं को कर सकते हैं। मुद्रा को हम एक हाथ से भी कर सकते हैं, उदाहरण के लिए हम
वायु मुद्रा को सीधे हाथ में करें और उल्टे हाथ से हम कुछ भी ना करें। यह पॉसिबल है, मुद्राएं इस तरीके से भी की जा सकती हैं, परंतु यदि हम मुद्रा को किसी भी एक मुद्रा को दोनों हाथों से साइमल्टेनियसली एक साथ करेंगे तब उस मुद्रा का हमें ज़्यादा फायदा होगा। किसी भी एक मुद्रा को हमें लगभग 45 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए, परंतु यदि 45 मिनट एक साथ करना पॉसिबल नहीं है तो हमें एक मुद्रा को 15-15 मिनट दिन में 3 बार करना चाहिए। मुद्रा के साथ यदि हम डीप ब्रीदिंग भी करें तो हमें मुद्रा का फायदा जल्दी मिलेगा। कोई भी मुद्रा हमें खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए, हमें एटलीस्ट 30 मिनट तक इंतज़ार करना चाहिए फिर कोई और मुद्रा करनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द सूर्य मुद्रा, क्योंकि सूर्य मुद्रा तो एक्चुअल में हम करते ही डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हैं। तो यदि यह मुद्रा हम खाने के बाद करें तो ठीक है, परंतु कोई भी और मुद्रा खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हम दोनों हाथों से दो अलग अलग मुद्राएं भी कर सकते हैं, जैसे कि राइट हैंड से सूर्य मुद्रा और इसी तरीके से उल्टे हाथ से हम कर सकते हैं वायु मुद्रा, परंतु ऑपोजिट मुद्राएं हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पृथ्वी मुद्रा हमारा बॉडी वेट बढ़ाती है और सूर्य मुद्रा हमारा बॉडी वेट घटाती है, तो हमें साइमल्टेनियसली ये दोनों मुद्राएं नहीं करनी चाहिए, यानी कि पृथ्वी मुद्रा एक हाथ से और सूर्य मुद्रा दूसरे हाथ से नहीं करनी चाहिए। जो मुद्राएं हैं वो हम किसी और भी तरीके की हीलिंग या थेरेपी के साथ हम कर सकते हैं।